फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका डिजिटल कौसाम्बी में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये पार्ट टू है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के पार्ट वन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें आज हम लोग डचों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पुर्तगालियों के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कन्फर्म है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। डचों को हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी भी कहा जाता था। डच दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजार में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया। यह भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो डच आए वो पुर्तगालियों के पश्चात आए। इन्हें हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता था। डच की डचों की जो मंशा थी ये क्या थी कि ये मसाला बाजार में अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अगर बात करें कि प्रथम डच नागरिक कौन था आने वाला, तो वो कौन था, कॉर्नेलिस हाउट मैन था। नेक्स्ट देखेंगे इससे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है हमारा, जैसे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, डच ने किया था, अंग्रेज ने किया था, या फ्रांस ने किया, फ्रांसीसियों ने किया था। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में जो डच यात्री था वो कौन था, कॉर्नेलियस हाउट मैन था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रथम डच यात्री कौन था, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉर्नेलियस हाउट मैन। फिर है हमारा, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो इसका डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की थी। इसके बाद आता है हमारा, बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो जो बेदरा का युद्ध हुआ था वो 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। यही युद्ध यानी बेदरा का युद्ध डचों के पतन का कारण बना और डचों का यहाँ से पूर्णतः पतन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उस्मानिया सल्तनत यानी तुर्कों ने कुस्तुनिया जीता था, कब जीता था, 1453 में। इसी के बाद यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के बाद से समुद्री रास्तों को की खोज हुई और वास्को डी गामा ने खोज की समुद्री मार्ग के द्वारा, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। इसके बाद क्या आएगा कि यूरोप गर्म मसालों के लिए एशिया के किन देशों पर निर्भर था, तो आंसर क्या होगा हमारा, दक्षिण पूर्वी एशिया पर, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया पर यूरोप जो था वो गर्म मसालों के लिए निर्भर था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग के खोज की आज्ञा दी थी, तो डॉन हेनरिक ने। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो वास्को डी गामा आया था वो डॉन हेनरिक, जिसको हेनरी द नेविगेटर की उपाधि प्राप्त थी, उसी की आज्ञा से आया था और उसी ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे, यह किसने कहा था कि मध्ययुग के किसी भी घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि समुद्री मार्ग के खुल जाने से। यह कथन किसका है, डॉडवेल का है, यानी डॉडवेल ने कहा था कि मध्ययुग के किसी भी घटना का इस सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि समुद्री मार्ग के खुल जाने से। अमेरिका की खोज किसने की, तो आंसर क्या है हमारा, कोलंबस ने 1492 में। ये चला तो था इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया, अमेरिका में, और किसकी खोज हो गई, अमेरिका की खोज हो गई। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोलंबस ने 1492 में।
इसके बाद देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपियन कंपनी व देश ने बनाए, तो आंसर क्या हमारा पुर्तगाली, यानी सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन आया, पुर्तगाली आए। तो सर्वप्रथम व्यापार, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाली कंपनी व कौन सा देश था, तो क्या होगा, पुर्तगाली। इसके बाद है हमारा 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था, तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, मलक्का बंदरगाह। यानी मलक्का बंदरगाह 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरी। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा का सहयोग किया, जब वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचे तो किस भारतीय व्यापारी ने उनको हेल्प किया या सहयोग किया, तो उनका नाम क्या था, अब्दुल मजीज था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वास्को डिगामा को मार्ग बताया और उनकी जो भी उनसे सहयोग हो सका उन्होंने किया। फिर है यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर कब पहुंचे थे, तो ये कब पहुंचे थे, 20 मई 1498 में। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वास्को डिगामा ने जिस यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज की था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है हमारा, केप ऑफ गुड होप मार्ग। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है, केप ऑफ गुड होप मार्ग से नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी, तो हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन्होंने खोली थी कोचीन में, खोली थी कब खोली थी, 1503 में। यानी पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में 1503 में खोली थी। फिर इसके बाद आता है, रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार कब प्रदान किया, तो कब प्रदान किया था, 31 दिसंबर 1600 में। रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार कब प्रदान किया, 31 दिसंबर 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो कौन था, थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था, किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। और हुगली, बंगाल की खाड़ी में हुगली की स्थापना भी किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। यानी इन्होंने ही यहाँ पर क्या सोचा था कि यहाँ से समुद्री लूटपाट को हम लोग अच्छा अंजाम दे सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि बंगाल की खाड़ी में हुगली को क्या बनाया, लूटपाट का अड्डा बनाया था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, अकबर। यानी अकबर के शासनकाल में जो पुर्तगालियों का दूत था अंतानियो कैब्राल, वह भारत आया था। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी, मसालों में थी। पहले तो ये मसालों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये अन्य चीजों का भी व्यापार यहाँ से करने लगे। फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कालीकट का मलयाली नाम क्या है, तो कोड नाम था इसका। फिर नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा कब जीता गया, यानी पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता, तो हम लोग नए फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गोवा को किसने और कब जीता था, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 1510 में। प्रथम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज क्या था, रेड डैगरन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जहांगीर ने, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि जहांगीर ने 1611 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति दे दी।
इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक यहाँ से शेष हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।